सरदा सच्चे सी तो ये है भाई रियर कैमरा जो हमने लिया है ब्लंक पंप का। हाँ जी, वेरेज ये बताते हैं 55 x 4। देखिए वो पीक पावर्स होती हैं, 55 वॉट ये जो शो करते हैं वो पीक पावर्स होती है। पीक पावर्स में कभी भी आपका सिस्टम ऑपरेट नहीं करता, कंटीन्यूअस हमेशा वो भी नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। तो ये मैकेनिकल वर्किंग होती है कि आप उसमें अप्स एंड डाउन आते हैं, म्यूजिक जो होती है वो साइन वेव होती है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑल फील्ड ड्राइव की एक और नई वीडियो में। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको अपनी कार का ऑडियो ग्रेड सेटअप दिखाने वाले हैं। बेसिकली मैं ऑडियो ग्रेड प्लान कर रहा हूं और मैंने सोचा है हेड यूनिट चेंज कराने का और साथ में एक पेयर ऑफ कंपोनेंट भी शायद मैं ऐड करवा दूं। उससे पहले मैं आपको करंट सेटअप बता देता हूं मेरी गाड़ी में क्या लगा हुआ है। तो अभी मेरी गाड़ी में केनवुड का एक 2-10 स्टीरियो लगा हुआ है एंड उसके अलावा फ्रंट में मेरे मोरेल के कंपोनेंट्स हैं और पीछे सोनी के कोएक्सियल स्पीकर्स लगे हुए हैं। करंट सेटअप की बात करूं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, बहुत बढ़िया आउटपुट है। स्पेशली मैं कैनवुड के स्टीरियो की बात करूं तो इसका आउटपुट आज की तारीख में किसी भी 15-20 हज़ार के एंड्रॉयड को बीट कर देगा आसानी से विदाउट एम्पलीफायर। आप इसका आउटपुट सोनी पायनियर से कंपेयर कर सकते हो, बहुत ही बढ़िया आउटपुट आता है इस सिस्टम से। दिक्कत कहाँ है कि एक्चुअली इसके बटन्स काम करना बंद कर गए कुछ टाइम पहले, तो अब सिर्फ ये रिमोट से ऑपरेट होता है, वो भी एक चीज़ है। दूसरा, इसमें ब्लूटूथ नहीं है। ब्लूटूथ ना होना उतना बड़ा कंसर्न नहीं है, वो तो ऑक्स के थ्रू प्ले कर लेते हैं गाने, लेकिन बटन्स ना चलना थोड़ा सा एक हैसल क्रिएट करता है गाड़ी चलाते टाइम, बार बार रिमोट उठा के गाने चेंज करने। तो इसे मुझे चेंज करना ही था, रिपेयर नहीं करा रहा मैं इसे, रिपेयर भी हो सकता है वैसे तो, चेंज करा रहे हैं तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना अब इसे अपग्रेड करें, एक प्रॉपर टच स्क्रीन सिस्टम लगाएं जिसमें आपका मैप वगैरह चल जाए, कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो सब चल जाए। क्योंकि हम ट्रैवल करते हैं तो मोबाइल फ़ोन को होल्डर पे लगा के फिर मैप ऑपरेट करने पड़ते हैं, तो इसलिए अब मैं जिस सिस्टम पे जाऊंगा वो आपको आगे वीडियो में पता लग जाएगा मैं क्या चूज़ कर रहा हूँ। हाँ भाई, एंड्रॉयड तो मैं बिल्कुल चूज़ नहीं करूँगा, एंड्रॉयड मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे साउंड आउटपुट चाहिए तो मैं किसी ब्रांड की तरफ ही जाऊंगा। एंड अभी हम शॉप की तरफ जा रहे हैं, कहाँ पे काम करवाएंगे वो सारा आपको वीडियो में दिखेगा, तो वीडियो में बने रहना दोस्तों। तो भाई आ गए शॉप पे और फाइनली हमने ये सेटअप डिसाइड करा है, आपको दिखा देता हूँ। तो हम लगवा रहे हैं इसमें ये सोनी का AX3200 वायर्ड एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ ये सिस्टम रहेगा एंड उसके साथ कंपोनेंट ना लगा के मैं पहले एम्पलीफायर इंस्टॉल करवाऊंगा सो दैट जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है वो अपने फुल पोटेंशियल पे चल सके। बाद में कंपोनेंट चेंज करवा लेंगे लेटर स्टेज में अगर लगता है तो ये करंट सेटअप रहेगा अपना और ये वायरिंग है जो यूज़ होगी इसमें। बाकी गाड़ी खोलनी स्टार्ट कर दी इन्होंने तो आपको दिखाता हूँ इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। तो भाई डोर पैनल ओपन करने स्टार्ट कर दिए एंड आप ये देख सकते हो मैंने लास्ट ईयर स्पीकर अपग्रेड करवाए थे फ्रंट कंपोनेंट, तो साथ मैंने मोरेल की डैम्पिंग लगवाई थी। तो डैम्पिंग की कंडीशन आप देख लो, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के साथ दिक्कत नहीं आती, तो बिल्कुल अपनी जगह पे डैम्पिंग, कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक, कोई गम गम कहीं से नहीं निकल रहा। यहाँ से एम की वायरिंग अंदर गई है भाई, आप देख सकते हो ऐसे कंपनी की वायर्स कैबिन से बाहर इंजन वे की तरफ आती है, वहीं से स्पेस बना के इसको अंदर ले गए।
इसी फ्रेम में लग जाएगा ना भाई। हाँ। आसानी से खुल गया। ये सारी चेंज होगी भाई, और ये है अपना पुराना स्टीरियो कैनवुड का, और ये अभी नए वाले स्टीरियो की अनबॉक्सिंग होते हुए देख लो भाई। इसमें क्या क्या आता है देख लेंगे, तो बिल वगैरह इसके, और ये मेन स्टीरियो, और साथ में कुछ केबल वगैरह। अरे सिंगल डिन है ये अंदर से ना, डिज़ाइन इस पर दिखाने के बाद। लाइट वेट हल्का है तो बहुत ही, इसके मुकाबले बहुत लाइट वेट है भाई ये वाला सिस्टम। छोटा भी है, और ये माइक की वायरिंग है भाई, वॉइस को एडजस्ट करते हुए। इस स्टीरियो के साथ माइक आता है, तो आप कॉल्स रिसीव कर सकते हैं डायरेक्ट स्टीरियो से, और साथ में मैंने कैमरा भी इंस्टॉल करवाया ब्लॉकपंक का DH 4.3, तो इसकी भी वायरिंग अभी साथ में ही फिट कर देंगे। क्या यूज़ होता है वैसे ये रबर का जो आप लगा रहे हो? एम्पलीफायर लगने के बाद इसकी पावर बढ़ जाती है, जिसकी वजह से रैटलिंग वगैरह ना करे, आवाज़ ना करे उस। अच्छा। इसके लिए होता है, और साउंड प्रूफिंग हो जाती है कहीं से ये होल होते हैं यहाँ से लीकेज ना हो। अच्छा, साउंड लीक ना हो इसके आसपास से। हाँ जी, तो उसके लिए लगाया जाता है। हाँ जी, और प्लास्टिक टू प्लास्टिक जब लगता है वो बेस आए तो वो रैटलिंग ना करे। हाँ जी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं भाई, जब आप अच्छी जगह से इंस्टॉलेशन करवाते हो तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। इसको पूरा कवर कर दिया इसको, और अब इसे वापस से फिट कर देंगे इसी के स्लॉट में। और यहाँ पे भैया वायरिंग इंस्टॉल करते हुए, वायरिंग की किट स्टीरियो के साथ में आती है भैया? ये वाला ये फर्स्ट बूटअप है सिस्टम का, देखो वही प्रॉपर फिट हो गया, कोई गैप नहीं है अभी कहीं से भी, चारों तरफ से देख लो बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग आई है। तो यहाँ पर भैया थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर रहे हैं डोर पैनल में, क्योंकि अभी एम्प लगेगा तो स्पीकर का आउटपुट बढ़ जाएगा और वो थोड़ा ज़्यादा बाउंस करेगा, राइट भैया? हाँ जी, तो इसे टच ना करे, दिक्कत ना आए कोई, इसलिए इसको कट कर रहे हैं। हाँ, एज एन प्रिकॉशन इसको पहले से ही कट कर देंगे ताकि रैटलिंग की दिक्कत ना आए हमें। बाकी चारों दरवाज़ों में स्पीकर हमारे वापस लग गए, और यहाँ पर भैया वायरिंग एडजस्ट कर रहे हैं, अब एम्प में इंस्टॉल करेंगे चारों स्पीकर और फिर आपको फाइनल आउटपुट दिखाते हैं। तो वाला एम्प हमने चूज़ किया है, साउंड मेगस कंपनी का है, 4 चैनल एम्प है ये, एंड 80 वॉट पर चैनल आउटपुट देता है ये, जैसा बताया अभी। ये इसके पीछे कंट्रोल्स है सारे,
एंड बाइक को इंस्टॉल करेंगे लोग। अभी भैया एम्पलीफायर की वायरिंग कर रहे हैं मेन बैटरी से, और एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो ये इंस्टॉल कर रहे हैं अभी, वो है भाई फ्यूज़। तो बेसिकली फ्यूज़ का क्या काम रहता है कि बाई चांस अगर कोई शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो फ्यूज़ उड़ जाएगा आपका, लेकिन वायरिंग बच जाएगी, करेक्ट भाई? तो इसलिए फ्यूज़ लगवाना बहुत ज़रूरी है। और मैंने प्रॉपर वायरिंग के ऊपर ब्लैक कलर की ये स्लीव लगाई है, जैसे आपको इंजन में मैं बाकी जगह दिखाई देंगी। तो ये है भाई रियर कैमरा जो हमने लिया है बम्प पंप का, एंड अभी देखते हैं इसको कहाँ पर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन का कुछ फाइनल नहीं हो रहा, यहाँ पर मैं नहीं लगवाना चाह रहा, नीचे ही लगवाने की प्लानिंग है। बाकी एक बार इसको देखते हैं नीचे लगा के कैसा व्यू मिलता है इससे, फिर दिखाते हैं आपको। सो भाई रियर कैमरा भी इंस्टॉल हो गया है, यहीं पर लगवाया मैंने इसको, एंड आपको इसका आउटपुट दिखाता हूँ। तो ये आउटपुट है, ठीक है आउटपुट, साथ में इसमें ये अडेप्टिव गाइडलाइंस है, अडेप्टिव तो नहीं है शायद ये, बट हाँ गाइडलाइंस दिख रही हैं। ऑलराइट गाइस, सो गाड़ी में सिस्टम इंस्टॉल हो गया है, तो मैंने आपका पूरा इंस्टॉलेशन का वीडियो मैंने आपको दिखाया है, एंड आज हमने अपनी गाड़ी में सोनी का AX3200 हेड यूनिट इंस्टॉल किया है, साथ में साउंड मेगस का एक फोर चैनल एम्पलीफायर इंस्टॉल किया है। मतलब आई रियली लाइक द आउटपुट, मिड्स बहुत क्लियर हैं, वोकल्स बहुत क्लियर हैं, एंड बाकी मैंने आपको इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस दिखाया था, सो वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट दिस प्लेस कि इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस था वो बहुत ही नीट एंड क्लीन था, सारी वायरिंग को प्रॉपर जिप टाई से अच्छी तरीके से अरेंज करके फिट करा गया गाड़ी में। बाकी भैया की वीडियोस मैं देखता हूँ यूट्यूब पे, तो उसी के थ्रू मैं आया था इनके पास, तो मैंने प्लान किया अपग्रेड का, तो मेरे दिमाग में मोटर कॉन्सेप्ट ही आया था सबसे पहले। तो भैया ने अपना आज रिक्वायरमेंट बताई थी, तो इनका पहले ओल्ड स्टीरियो लगा हुआ था और एक कंपोनेंट और कोएक्स, पीछे कोएक्स लगा पीछे कोएक्स है सोनी के, तो वो लगे हुए थे। तो अब डिस्कशन हुई, तो भैया का जिस बजट में भैया प्लान कर रहे थे, तो सबसे पहले तो उन्होंने हेड यूनिट क्वालिटी वाला ही प्रेफर किया, जो जापानीज हेड यूनिट आते हैं, जैसे सोनी और पाइनियर की हमारी डिस्कशन हुई, तो भैया ने सोनी को ऑप्ट किया जिसमें वायर्ड कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो भी है, और 7 इंचेस में बहुत ही क्वालिटी साउंड के लिए माना जाता है ये सेटअप। सेकेंड हमारे पास ऑप्शन थी आइदर वी चेंज दी फ्रंट कंपोनेंट या फिर हम उसको एम्पलीफिकेशन के लिए जाएं, right. तो भैया के साथ डिस्कशन होने के बाद जो भैया की रिक्वायरमेंट थी वो था कि हाँ क्लियर सेटअप हो, मिड बेस थोड़ा सा अटैकिंग हो। तो ऑलरेडी भैया के डिसेंट फ्रंट स्पीकर्स थे जो कि मॉरेल के MK2 सीरीज थी, हम भी इसको सजेस्ट करते हैं कई बार, राइट right. तो रादर देन चेंजिंग स्पीकर्स और विदाउट एम्पलीफिकेशन हमने कहा कि पहले बेसिक डैम्पिंग करके डैम्पिंग इसमें हुई हुई डैम्पिंग ऑलरेडी डैम्पिंग हुई हुई थी इसमें, वो भी अच्छी बात है। और मॉरल के फ्रंट कंपोनेंट जो कि ऑलरेडी 90 RMS के करीब का रेटेड एम्पलीफायर और कंपोनेंट है, उसको भी हम स्टीरियो से चलाते तो 15 या 20 वॉट की पावर रहती, तो हमने उसको एम्पलीफिकेशन दिया, साउंड मैगस का 4 चैनल एम्प कॉम्पैक्ट फॉर्म में एम्पलीफायर था और उसको हमने पावर किया, तो सेटअप का जो रिस्पॉन्स था बेटर था। अब भैया की सारी वायरिंग एंड एवरीथिंग स्टीरियो कम्प्लीट है, अब जब भी भैया का नेक्स्ट प्लान होगा उसमें आप एक कंपोनेंट का भी आप अपग्रेड कर सकते हो। कंपोनेंट मेरे को अपग्रेड करें, दैट्स इट, और वूफर का मेरा फिलहाल कोई प्लान नहीं है,
अच्छा मेरा एक डाउट था कि जैसे आपने भी बताया कि हेड यूनिट से हमें 15-20 वॉट ही मिलता है। हाँ जी, वेरेज ये बताते हैं 55 into 4। देखिए वो पीक पावर्स होती हैं, 55 वॉट ये जो शो करते हैं वो पीक पावर्स होती है। पीक पावर्स में कभी भी आपका सिस्टम ऑपरेट नहीं करता। ओके, मतलब जैसे वॉल्यूम फुल होगी तब 55 वॉट आएगा, तब भी नहीं आएगा। हाँ, वो एक बर्ब पावर होती है जो की कभी भी आपकी रनिंग पावर नहीं होती। अच्छा, तो जो रनिंग एक्चुअल पावर होती है, जो RMS जिसे कहते हैं हम, रूट मीन स्क्वायर, वो एक्चुअल पावर कंसिडरेशन में आती है। जैसे कि आप JBL के बेस ट्यून देखते हो 1300 वॉट, तो इन एक्चुअल वो 250 वॉटेज की होती है। लेकिन कभी आपने सेकंड के लिए पीक पावर दे दी तो वो 1300 वॉट झेल सकती है, लेकिन आप कंटिन्यूअसली 1300 उसको नहीं, मैक्सिमम है। हाँ, मैक्सिमम भी बर्ब फॉर अ वेरी स्मॉल स्प्लिट सेकंड। ओके दोस्तों, सो ये एक डाउट अगर आप लोगों के मन में रहा होगा कि अगर स्टीरियो पे 50 या 55 वॉट लिखा है तो वो उतना फ्रीक्वेंटली नहीं देता। हाँ, वो पीक पावर्स होती हैं, वो आपकी कंटीन्यूअस पावर्स नहीं होती, तो आपको कंटीन्यूअस पावर्स पे फोकस देना होता है। तो उस हिसाब से जो स्टीरियोज होते हैं वो अराउंड 20 RMS की पावर तक करते हैं। अगर ब्रांडेड की बात करें तो ये 20 दे रहे हैं, तो कोई तो जो एंड्रॉइड होते हैं वो और कम और कम देंगे। एग्जैक्टली, स्टिल एनी डे बेटर है उनसे। हाँ, देखिए अभी अल्पाइन में भी आप यहाँ दिखाओ, अल्पाइन में भी 1500 वॉट पीक है, लेकिन एक्चुअल जो पावर है वो 300 वॉट है। तो जब हमें एम्पलीफायर मैच करना पड़ेगा तो हम 1500 वॉट के हिसाब से नहीं कर सकते, हम उसको मैच करेंगे RMS के हिसाब से। ओके, तो अभी जैसे हमने एम्पलीफायर इंस्टॉल किया है, ये 80 वॉट RMS कोट करते हैं, मतलब बॉक्स पे, तो इज दिस लाइक ये भी होता है, स्टेबल 80 कभी नहीं होता, उसमें भी आप जब वोल्टेज इंक्रीज करते हो तो धीरे धीरे वो स्टेबली इंक्रीज करता है। और अगर आपका वो कैपेबल है 90 वॉट का, तो आप उसको 90 वॉट कंटिन्यूस हमेशा वो भी नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। तो ये मैकेनिकल वर्किंग होती है कि आप उसमें अप्स एंड डाउन आते हैं, म्यूजिक जो होती है वो साइन वेव होती है, तो पावर के फ्लक्चुएशन रहती है उसके। बट स्टिल ये हेड यूनिट से तो ज्यादा ही देगा, हेड यूनिट से ऑब्वियसली उसकी पावर को एम्पलीफाई कर रहा है। अगर आपका सिग्नल ऐसे जा रहा है तो सिग्नल बूस्ट हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। हाँ, तो सिग्नल क्लिप नहीं होना चाहिए, सिग्नल बूस्ट होना चाहिए। ऑल राइट, तो ये काफी यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों आपके लिए, अगर आप गाड़ी में ऑडियो अपग्रेड करते हो तो ये चीजें अपने माइंड में रख सकते हैं। बाकी कॉस्टिंग की बात करें तो इस सेटअप में कितना क्या कॉस्टिंग, वही देखिए आपके जो मोटे मोटे हेड्स कवर हुए हैं वो आपका एक हेड यूनिट कवर हुआ है जी, हेड यूनिट अप्रोक्सीमेटली 15-16,000 के करीब रेट होता है। एम्पलीफायर है अराउंड 12,000 के करीब एम्पलीफायर आता है, वायरिंग होती है 4-5,000 की। ये मोटे मोटे हेड्स थे जो आज आपने यूज, जो आज हम, अब इसमें नॉर्मली अगर कोई और एंड्रॉइड यूज नहीं होता तो हमें एक हाई लो कन्वर्टर भी लगाना होता, जो कि सोनी पायनियर में हमें नहीं लगाना, जरूरत नहीं पड़ती। हाँ जी, ठीक है दोस्तों, सो दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। आई थिंक आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है, मोटर कॉन्सेप्ट पे आप जरूर आए, एंड अमन भैया से अपना ऑडियो अपग्रेड जरूर करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन।